संगत करनी रे संत रे चुड़े लग और क्या अनुग्रहों से काम नुगरा ले जावे नरक में तो संत मिला मेरा ए संगत करो निर्मल संत री हरी हैली ए आवागमनी मिट जाय रे जन्म मरनी छूट जाए संगत करो निर्मल संत री हरी हैली ए संगत करो निर्मल संत री हरी हैली ए आवागमनी मिट जाय रे जन्म मरनी छूट जा अरे हेली बात बोले श्री भक्त वत्सल भगवान के हरिये बाग में और खुशी भई बन रहा है और बांस उगियो टावे डूंगरे थरक रही बन रहा है। एक तरफ जंगल रे मायने चंदन वृक्ष उगियो तो सारा जंगल रा जीव जंतु बड़ा खुश हुआ बड़ो आनंद आयो कि अपार जंगल रे मायने चंदन रो वृक्ष उगियो है। अपा ने फूल देला पत्ता देला अपा ने फल देला और साथ साथ आपरी प्रेम भरी छाया रे मायने बिठा और दिव्य सुगंध देला बड़ो आनंद आयो सारे जंगल में सारा जीव जंतु खुश हुआ। पर वही जंगल रे मायने जब एक बांस रो लकड़ो उगियो तो सारे जीव जंतु बड़े दुखी हो गए कि ये बांस एक दिन खुद जलेगा और हम सबको जला कर राख कर देगा। और जिस चीज का डर था वही हुआ और उसी बांस के कारण जंगल में आग लग गई। कहा ये आग लगी हमारी है ये आग लगी डूंगर हमारी है ये मिल गई जालो झाल रे
पूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ भजन हो चुके हैं, कुछ भजन अभी हैं बाकी, कुछ भजन हो चुके हैं, कुछ भजन अभी हैं बाकी। अरे मिलके नाचने को बेकर मन का मयूरा है, मिलके नाचने को बेकर मन का मयूरा है। नजर अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। सुनने वाली है, जरा जान करके सुनना कि मित्रता क्या होती है, यारी क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, और किसी के द्वारा खिलाए गए नमक का, किसी के द्वारा खिलाए गए पत्ते का और फूल का एहसान किस प्रकार, ऋण किस प्रकार चुकाया जाता है। जंगल में आग लगी तो सारे जीव जंतु भाग गए, जो उड़ सका वो उड़ गया, जो चल सका वो चल गया, और जो दौड़ सका वो दौड़ गया। पर इन सब बातों से बिना डरे एक हंस आग की लपटों को चीरता हुआ सीधा आकर चंदन की डाली से लिपट गया। चंदन को बड़ा अजीब लगा और कहा, अरे चंदन हंसु मुख बोलियो की थे क्यों जड़ो हंसराज, अरे मैं तो जड़ा बिन पाखिया हमारी जड़ा है पताड़ा रमाई भाई, मैं तो मजबूर हूं इस आग में जलने के लिए, क्योंकि भगवान ने मुझे पंख नहीं दिए, मेरी जड़ें बड़ी धरती में गहरी है, पर तुझे तो भगवान ने पंख दिए हैं, इन पंखों का उपयोग कर और इस आग और मौत को छोड़कर चला जा। चंदन ने बड़ा हंस को समझाया, तब हंस डाली से लिपटा लिपटा आंखों में आंसू टपका और क्या बोला, वाह हंस चंदन से बोलने लगो, कयो कि थारा फल खाया पान पिलोविया रम्या डालो डाल, और थे तो जड़ो और मैं क्यों उबरा जीनो कितना साल मारा भाई, मैं थारा फल खाया थारा पत्ता खाया थारा फूल खाया और थारी डाली डाली खेल में बचपन सु जवानी तक पहुंचो हूं, और बचपन सु जवानी तक थारिया सुगंध ले मैं आनंद लियो हूं। आज इन मौत और आग ने छोड़, मौत और आग सु डर अगर आपने छोड़ जाऊं तो मारी दोस्ती मारी यारी मारी मित्रता कैसी, मारो प्रेम कैसे। और कहो, ए फल खाया पान पिलो बिया रे हेली, ए फल खाया पान पिलो बिया मार चंदन मैं खेलो डालो डाल रे, ए खेलो डालो डाल, ए थे तो चलो और मिटू बड़ा मारी हेली, ए थे तो चलो मैं क्यों बड़ा मारी हैली, ये जीनो है कितना साल रे, जीनो है कितना साल।
चंदन हंसरो प्रेम देखने मारी हेली, ये चंदन हंसरो प्रेम देखने मारी हेली, ये दूधा परिसों में भरे दूधा परिसों। देखो जब एक दूसरे के लिए मरते देखा उस जंगल में, तब भगवान को बड़ी करुणा, भगवान को बड़ा प्रेम आया उनके ऊपर और आंखों से आंसू टपक पड़े भगवान के और जंगल में बड़ी प्रेम भरी बारिश करवा दी। सारे जीव जंतु भाग कर आए किसके पास? उस हंस के पास। और चंदन ने हंस को संबोधित करते हुए कहा कि वाह रे हंसला वाह, कैसे सुग्रे जीव को मैंने अपने फल अपने पत्ते खिलाए, अपनी छाया में अपनी सुगंध दी, जिसके कारण स्वयं तो बचा बचा और पूरे जंगल की जान बचाई। एक बार उठाकर पीछे तक दोनों हाथ, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। सारे जीव जंतु आ और वह हंसला ने धन्यवाद दियो, वाह हंसला धन्यवाद, जो आप तो बचार बचा, थारी दोस्ती मारे बड़ी काम आई। ओ मेरी जिंदगी बनाई मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाट से उठा के, ओ मेरी जिंदगी बनाई मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाट से। ये आना और जाना तो लगा रहता है, आना और जाना तो लगा रहता है, जो प्रेम करे वो यहाँ रहता है। क्योंकि कबीरदास जी महाराज कहो क्या कहे कबीर धर्मी दास ने, हे मारी हेली और नित नित नवला वेश, अरे संगत करो नी निर्मल संतरी, हे मारी हेली थारो आवारे गमन मिट जाए और थारो जन्म, ये थारो जन्म मरणी छूट जाए, अरे हेली मारी जन्म मरण छूट जाए। ये धरती चांद सितारे, ये दिया पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्रेम रहेगा।